अगर उर्दू के फिक्शन निगारों की एक फहरिस्त तैयार की जाए तो उसमें सआदत हसन मंटो का नाम जरूर शामिल होगा। मंटो ने उन मामलों पर कलम उठाया जिन पर बात करते हुए बड़े बड़े बेबाक झिझक जाते थे। इंसानी जिंदगी की तलखियों को मंटो ने अपना अहम मुद्दा बनाया। मंटो समराला जुलाब लुधियाना में पैदा हुए। उनकी शुरुआती तालीम अमृतसर में हुई। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया, लेकिन पढ़ाई पूरी न कर सके और वापस अमृतसर आ गए। शुरू में उन्होंने लाहौर की मैगजीन में काम किया, फिर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जुड़ गए, जहां उन्होंने कई कामयाब ड्रामे और फीचर लिखे। कुछ अरसे बाद वो मुंबई चले गए, जहां कई फिल्म मैगजीन से जुड़े रहे। इस दौरान कई फिल्मों की कहानियां और डायलॉग्स भी लिखे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो लाहौर में जा बसे और 18 जनवरी 1955 को वहीं इंतकाल हुआ। मंटो ने महज 20 साल की अपनी जिंदगी में कई सौ कहानियां लिखी। उनकी खूबी ये थी कि वो अपनी कहानियों में समाज से चुपते हुए सवाल करते रहे। उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव और जमाने की रंगारंगी को करीबी से देखा और इन सबके अक्स को अपनी कहानियों में दर्शाया। मंटो ने जिंदगी की तलखियों को खूब चखा। उन्होंने जबरदस्त माली तंगी का भी सामना किया। उनकी कई कहानियों पर उनके खिलाफ मुकदमे भी चले। यहाँ तक कि उन्होंने पागल खाने में भी कुछ दिन गुजारे, लेकिन इन सब परेशानियों से उनकी कलम की धार हरगिज कम नहीं हुई और आखिरी दम तक वो समाज से सवाल पूछते रहे और जहां जरूरी समझा वहां उन्होंने अपने कलम से झिंझोड़कर समाज को जगाने की भी कोशिश की। मंटो को गुजरे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी याद अब भी ताजा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।